हेलो, स्वागत है आप सभी का द माइनस प्लस पे। आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं ये सिंप्लीफिकेशन जो सीरीज है, इस सीरीज में आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं बोर्ड मार्क्स। ठीक है, बोर्ड मार्क्स जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बोर्ड मार्क्स ये रूल जो है, बोर्ड मार्क्स रूल, इसके बारे में आज हम बात करेंगे डिटेल से कि कैसे बोर्ड मार्क्स को फॉलो किया जाता है और इस रूल का जो रूल ये जो रूल है वो क्या है और इसे कैसे फॉलो करते हैं। ठीक है, ये अपना पहला क्लास है सिंप्लीफिकेशन सीरीज का। ठीक, और इससे पहले हम एक वीडियो जो आया था इससे पहले, उसमें बताए थे कि सिंप्लीफिकेशन सीरीज के बारे में ये आने वाला है और इसमें क्या सब करने वाले हैं। ठीक है, और इससे पहले जो बेसिक मैथ सीरीज राउंड 1, 2, 3, 4 आया है, जिन लोगों ने ले लिया वो तो ठीक है, जिन जो और लोग हैं जो लेना चाहते हैं, वो बेसिक मैथ का कोर्स है, उसका क्लास नोट से लेवल है और डेली प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं और डॉट पूछ सकते हो आप अगर आप परचेज करते हो। ठीक है, तो उसके बारे में जानने के लिए व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, आज हम बोर्ड मास के ऊपर बात करेंगे कि बोर्ड मास क्या है। ठीक, बोर्ड मास के ऊपर बात करेंगे कि बोर्ड मास क्या है। ठीक है, तो देखिए बोर्ड मास रूल जो है, BODMAS बोर्ड मास। ठीक, और यहां पर आप देख रहे होंगे कि ये एक वी है, वी ये क्यों है बोर्ड मास में, ये भी बोर्ड मास क्यों है, वी बोर्ड मास क्यों है, तो इसके पीछे जो ये रीजन है वो भी हम आपको बताएंगे। ये जो वी का मतलब होता है, वे विनकुलम होता है, हिंदी में रेखा कोष्टक बोलते हैं। और ये जो बोर्ड मास है, ये देखिए हम आपको एक चीज बता दें, अगर आप ढंग से समझना चाहते हो ना, तो वीडियो को बिना बढ़ाए घटाए, स्पीड को बिना बढ़ाए घटाए ध्यान से अगर देख लोगे, 10-15 मिनट की तो वीडियो होती है, अगर ध्यान से देख लोगे तो ये चीजें आपके समझ में आ जाएगी और आप समझ जाओगे कि बोर्ड मास या जिस टॉपिक पे भी वीडियो होगी आपके दिमाग में आ जाएगा। तो यहाँ देखिए ये सीरियल वाइज है, पहले है भी और दूसरे नंबर में है बी, उसके बाद है तीसरे नंबर पर ओ, चौथे नंबर पर डी, उसके बाद फिर है एम पांचवें नंबर पे, छठे नंबर पर है ए और सातवें नंबर पर है एस। ठीक है, ये सीरियल वाइज है और इसके पीछे भी रीजन है कि पहले भी, उसके बाद बी, उसके बाद ओ, उसके बाद डी, उसके बाद एम, उसके बाद ए, उसके बाद एस। ठीक है, ये रीजन क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। पहले इस सब का मतलब समझिए, भी से क्या होता है, तो वेनकुलम होता है, हिंदी में रेखा कोष्ठक बोलते हैं। ठीक है, रेखा कोष्ठक बोलते हैं। देख लीजिए होता क्या है रेखा कोष्ठक, जैसे आप कहीं पर क्वेश्चन देखे होंगे, हम देखिए बारी बारी से हम आपको जैसे बताएंगे तो उसका सबका डिटेल भी बताते जाएंगे। जैसे वेनकुलम रेखा कोष्ठक के बारे में हम बता रहे हैं आपको, तो कहीं कहीं पर क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि 4 + 5 - 3। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन है और इसके ऊपर एक इस तरह से लाइन दिया रहता है, इस तरह से एक लाइन, ये जो लाइन है यही है रेखा कोष्ठक, इसी को वेनकुलम बोलते हैं। ठीक है, इसी को वेनकुलम बोलते हैं, रेखा कोष्ठक बोलते हैं। तो इसके बारे में तो आप समझ गए कि ये क्या है। ठीक है, अब चलिए वेनकुलम समझ गए और क्वेश्चन में इसको कैसे अप्लाई करना है वो अभी हम सब पहले हम सबका बेसिक बता देते हैं कि सब है क्या, सबका मतलब समझा देते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल करेंगे, तरह तरह के एग्जाम्पल करेंगे जिसमें सब कुछ आ जाए, तो उससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए अपना है ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्टक। ठीक है, दो नंबर पे क्या है ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब कोष्टक। कोष्टक क्या होता है वो देखिए, कोष्टक तीन प्रकार के होते हैं, जो ब्रैकेट होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, तीनों प्रकार हम आपको बता देते हैं। पहला देखिए, पहला होता है स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट, पहला क्या होता है स्मॉल ब्रैकेट, BRACKET स्मॉल ब्रैकेट, या इसको छोटी कोष्ठ बोल सकते हो हिंदी में, छोटी कोष्ठ। दूसरा होता है, देखिए दूसरा जो है अपने वो होता है कर्ली ब्रैकेट, इस तरह से कर्ल होता है, कर्व होता है, तो कर्ली ब्रैकेट इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं CURLY कर्ली ब्रैकेट, या इसको मीडियम ब्रैकेट भी बोलते हैं, इसको या तो मीडियम ब्रैकेट भी बोलते हैं, MEIDU, मीडियम मतलब मध्यम कोष्ठ। ठीक है, या तो कर्ली ब्रैकेट बोलिए या मीडियम कोष्ठ बोलिए, मीडियम ब्रैकेट बोलिए। तीसरा है हमारे लिस्ट में, वो होता है इस तरह का, इसको बोलते हैं हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट, क्या बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, या इसको बिग ब्रैकेट भी बोल सकते हैं, बड़ी कोष्ठ।
ठीक है, या तो बरी कोष्ठ बोलिए या इसको स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट बोलिए। तो तीन तरह के कोष्ठ होते हैं, क्या होते हैं, तीन तरह के कोष्ठ होते हैं। पहला हो गया स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट देखिए, एक सेकेंड, स्मॉल ब्रैकेट देखिए, कई पर क्वेश्चन इस तरह से होता है ना, टू प्लस थ्री, इस तरह से देखिए स्मॉल ब्रैकेट में थ्री माइनस टू, तो ये जो है ये स्मॉल ब्रैकेट है, ठीक है। और कर्ली ब्रैकेट क्या होता है, मान के चलिए यही पर इसको कर्ली कर्ली ब्रैकेट यानी कि मीडियम क्वेश्चन में ये वाला जो हो गया, देखिए कर्ली ब्रैकेट के अंदर यहां पर दे देंगे थ्री मल्टीप्लाई विथ थ्री, ये जो क्वेश्चन है आप देखिए थ्री मल्टीप्लाई विथ, अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर टू प्लस थ्री माइनस टू, कर्ली ब्रैकेट बंद। या इसी में बरी कोष्ठ भी ऐसे यूज किया जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट जिसको बोलते हैं या बिग ब्रैकेट बोल सकते हैं आप इसको, इस तरह से ये बिग ब्रैकेट हो गया। तो तीनों देख सकते हैं आप, ये जो है तीनों का कलर चेंज कर देते हैं आपको समझ में आएगा। ये देखिए ग्रीन कलर जो है अभी ये स्मॉल ब्रैकेट हो गया, उसके बाद देखिए कर्ली ब्रैकेट जो है वो ब्लैक कलर का, देखिए ये कर्ली ब्रैकेट हो गया, ठीक है ब्लैक कलर वाला, और ये जो रेड बच गया है वो हो गया स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये तीनों ब्रैकेट होते हैं। अगर क्वेश्चन में तीनों ब्रैकेट रहे तो सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तीनों ब्रैकेट रहे तो पहले स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तीनों ब्रैकेट है तो पहले स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, तीनों, ठीक है। और क्वेश्चन में अगर रेखा कोष्टक भी हो, वेनकुलम भी हो, वेनकुलम यानी कि वी से जो हम आपको बताएं, यहां पर जो ये देख रहे हैं फाइव माइनस थ्री के ऊपर जो ये लाइन दिया गया इसको रेखा कोष्टक बोलते हैं, तो अगर वो भी क्वेश्चन में अवेलेबल है तो पहले हम लोग एक नंबर में वही सॉल्व करेंगे, रेखा कोष्टक है तो रेखा कोष्टक को सॉल्व करेंगे, उसके बाद अगर ब्रैकेट अवेलेबल है तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। और ब्रैकेट में देखिए अगर कोई एक ही ब्रैकेट है तब तो उसको सॉल्व करेंगे, अगर तीनों ब्रैकेट है तो पहले स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, इसी सीरीज में। मतलब अगर कोई दो ही ब्रैकेट है, मान लीजिए स्मॉल ब्रैकेट है और कर्ली ब्रैकेट है, तो पहले स्मॉल ब्रैकेट फिर कर्ली ब्रैकेट, अगर मान लीजिए कर्ली ब्रैकेट है और ये स्क्वायर ब्रैकेट है तो पहले हम कर्ली ब्रैकेट फिर स्क्वायर, मतलब इस तरफ से इस तरफ जाएंगे, पहले इधर से सॉल्व करते हुए फिर इधर की ओर बढ़ेंगे, ठीक है, फिर इधर की ओर बढ़ेंगे, ठीक। अब चलिए ऑफ का मतलब समझिए, ये देखिए ऑफ को ध्यान से समझिए, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होने वाला है यहाँ पे ऑफ में, इसको ध्यान से समझिए, यहाँ पर वीडियो को बढ़ाना घटाना नहीं है, ध्यान से समझना है, नहीं तो ये बहुत बार गलती और बहुत सारे लोग इसमें गलती कर देते हैं ऑफ में। ऑफ, ओ का मतलब होता है ऑफ, हिंदी में मतलब होता है का, और का मतलब होता है गुना, ठीक है, का मतलब होता है गुना, ठीक है, का मतलब होता है गुना। और ध्यान से देखिए यहां पर कंफ्यूजन क्यों होता है वो समझिए, यहां पर देखिए एम है और यहां पर एम का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, और मल्टीप्लीकेशन का मतलब भी गुना ही होता है, यहां पर भी गुना। अब दो जगह गुना है, हमको सीरियल वाइज में यहां पर दिया गया है, तो सीरियल वाइज में ही हम लोग सॉल्व करते हैं, पहले वेनकुलम को सॉल्व करते हैं, फिर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ को, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लीकेशन को, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है, ये तो सीरियल वाइज हो गया। अब अगर गुना दो जगह है तो इसका मतलब क्या है, इसीलिए कंफ्यूजन हो जाता है, गुना यहां वाला गुना सॉल्व करें या यहां वाला गुना सॉल्व करें, तो इसका सीधा जवाब है, देखिए ये जो ऑफ है, ऑफ का मतलब होता है का, और का मतलब गुना, ठीक है, ये गुना। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहे 40 का 20 प्लस 30 गुना 2, ठीक है, तो देखिए इसका मतलब भी गुना होता है, यहां पर भी गुना लिखा हुआ है, तो जो देखिए अब यहां पर आपको ये बोर्ड मास रूल को याद करना है, पहले भी था, फिर बी था, उसके बाद ओ है, उसके बाद डी है, उसके बाद एम है, तो ये जो सीधा सीधी गुना यहां पर दिया गया है, देखिए यहां पर सिंपली यहां पर मल्टीप्लीकेशन का चिन्ह दिया गया, यहां पर का लिखा गया है, का या ऑफ कुछ भी लिखा रहे, तो पहले हमको वो सॉल्व करना है जहां पर का लिखा हुआ है या जहां पर ऑफ लिखा हुआ है, पहले हम उसको सॉल्व करेंगे, 40 गुना 20 करेंगे, तो 40 गुना 20 करेंगे तो ये हो जाएगा 800, उसके बाद प्लस का चिन्ह देंगे, उसके बाद 30 गुना 2 करेंगे तो 30 दुनी 60, अब इस दोनों को ऐड कर देंगे तो 860, ठीक है, ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे।
अब आप कहेंगे कि यहां पर अगर हम पहले इसको गुना कर लेते फिर इसको गुना करते फिर भी आंसर सेम आता। जी आंसर यहां पर सेम आता, लेकिन आपको ऐसी स्थितियां परिस्थितियां ऐसी सिचुएशन आपको मिलेंगे जहां पर आंसर अलग आएगा। और ये जो ऑफ है इसका जो इस्तेमाल है वो प्रायः किया जाता है किस प्रकार के क्वेश्चन में, इस प्रकार के। देखिए 400 का 40%, इस तरह प्रतिशत वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें ऑफ का यानी का मोस्टली जो यूज है वहां पर किया जाता है। ठीक है, इस तरह से लिखा रहेगा और डिवाइड रहेगा कुछ भी 5। तो पहले आप का यूज करेंगे उसके बाद डिवाइड करेंगे, ध्यान से देखिए। तो अगर क्वेश्चन में ऑफ लिखा रहे या का लिखा रहे तो आप क्या करेंगे, ये जो देखिए डिवीजन है 4 नंबर में, डिवीजन का मतलब भाग विधि, भाग करना है, डिवीजन करना है। तो अगर क्वेश्चन में डिवीजन भी रहे और ऑफ रहे, ऑफ रहे या कार है, तो डिवीजन भाग से पहले तब हमको ये अलग गुना करना है, अगर ऑफ लिखा हुआ है या का लिखा हुआ है। तो अगर सिंपली गुना का चिन्ह है और डिवीजन भी है भागा भी है, अगर ऑफ नहीं लिखा हुआ है केवल गुना का चिन्ह है केवल मल्टीप्लीकेशन का साइन है सिंबल है, तब हम क्या करेंगे, पहले डिवीजन करेंगे उसके बाद मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्योंकि देखिए पहले डिवीजन आता है उसके बाद मल्टीप्लीकेशन आता है। अगर ऑफ लिखा रहे और डिवीजन भी रहे, तो ऑफ लिखा रहे तो पहले ऑफ करेंगे उसके बाद डिवीजन करेंगे, ऑफ मतलब गुना ही करेंगे लेकिन पहले भागा से पहले कर लेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए डी से पहले ओ आता है, ऑफ डी से पहले ऑफ, तो डिवीजन से पहले अगर ऑफ रहे तो ऑफ का पहले होगा उसके बाद डिवीजन का होगा उसके बाद मल्टीप्लीकेशन का होगा उसके बाद एडिशन का उसके बाद मतलब जोड़ का क्रिया उसके बाद करेंगे और सबसे लास्ट में करेंगे घटाओ का क्रिया। ठीक है, सबसे लास्ट में क्या करेंगे, घटाओ का क्रिया। अब हमको ऐसा लग रहा है कि जितना कुछ अभी हम बताए हैं ना ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया, अब क्वेश्चन पे जाते हैं नहीं तो मतलब समझ से भी बाहर हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, मान के चलिए इस तरह से रहे, यहां पे पहले भी बोर्ड मास लिख दीजिए, भी बी ओ डी एम ए एस ये लिख दिए ताकि हम लोग इसको फॉलो करें। अब देखिए अगर ऐसा रहे 4-3 और +2, ठीक है +2, इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते हो, क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते हो, तो पहले जोड़ की क्रिया होनी चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है ये तो आप कभी ना कभी सॉल्व किए होंगे या आप इसमें गलतियां करते होंगे। देखिए होता क्या है, ये जो प्लस या माइनस का साइन है ये बताता है कि कौन सी संख्या धनात्मक है कौन सी संख्या ऋणात्मक है। जैसे ये जो माइनस का चिन्ह है माइनस, ये बताता है कि 3 जो है वो माइनस में है, ठीक है। और ये जो प्लस का साइन है, प्लस का साइन है, ये जो प्लस का साइन है ये बताता है कि ये जो 2 है ये प्लस में है। मतलब जो साइन है वो संख्या के पीछे जो लगा हुआ है, मतलब 2 के पीछे लगा है प्लस तो ये बताता है कि 2 प्लस में है, और 3 के पीछे माइनस लगा है तो 3 के बारे में बताता है कि ये माइनस में। 4 के पीछे कोई साइन नहीं है तो नहीं है कोई साइन तो प्लस छिपा हुआ होता है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, देखिए जोड़ है और घटाव है, तो यहां पर देखिए ये एडिशन यानी कि ये प्लस करना हो गया और ये सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस करना हो गया। तो पहले हमको एडिशन करना होता है उसके बाद सब्ट्रैक्शन करना होता है, पहले जोड़ना है। तो 4 है एडिशन मतलब जोड़ में 4 है और 2 है, तो पहले हम लोग 4 और 2 को ऐड करेंगे, तो 4 और 2 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6 और -3 यहाँ पर लिख देंगे। अब हमको 6 में से 3 को माइनस करना है तो आ गया 3, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ध्यान से समझिए ये जो सीरीज है ना इसमें देखिए हम आपको बेसिक से डिटेल से कराते जाएंगे, बस आपको सब्र रख के वीडियो को देखना होगा तभी आप समझ पाओगे, ठीक है। अब चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 6 डिवाइडेड बाय ऐसा करते हैं 3 का 2, ये दूसरा एग्जाम्पल है हमारा। और एक तीसरा एग्जाम्पल भी हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, 6 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई विद 2, ये दूसरा एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ ध्यान से समझिए, देखिए एग्जाम्पल ऐसा ले रहे हैं जहां पर आप कंफ्यूज होते हो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, जहां पर आप कंफ्यूज हो गए,
तो इसलिए हम ऐसा एग्जाम्पल जानबूझ कर लेते हैं ताकि अभी आपका क्लियर हो जाए, तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे या एग्जाम में रहोगे तो वहां पर आपको ये समस्या नहीं आएगी। बस बशर्ते ये है कि आप ध्यान से वीडियो को देखिए। अब देखिए यहाँ पर का लिखा हुआ है, ठीक है, का लिखा हुआ है, का मतलब ऑफ, तो यहां पर है ऑफ यानी कि का, यहां पर है का, ठीक है, ओ का मतलब ऑफ या का। यहां पर डी का मतलब क्या होता है, डिवीजन यानी कि भागा, ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है गुना। तो सबसे देखिए ऊपर से ना हम लोग करते आते हैं, पहले भी को सॉल्व करते हैं, फिर बी को सॉल्व करते हैं, फिर ओ को सॉल्व करते हैं, फिर डी को, फिर एम को, फिर ए को, फिर एस को, इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो अभी जो ये क्वेश्चन है इसमें भागा है और का है, तो यहां पर देखिए, यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर भागा और का में पहले क्या है, पहले हमको का सॉल्व करना है उसके बाद भागा सॉल्व करना है। तो यहां पर करेंगे क्या, 6 डिवाइडेड बाय 3 का 2 यानी कि 3 को 2 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6, अब हो गया 6। अब देखिए 6 भागा 6, तो 6 भागा 6 1, ये हमारा 1 आंसर आ गया, ठीक है। का मतलब गुना ही होता है, लेकिन गुना ही होता है लेकिन भागा से पहले उसकी क्रिया की जाती है, किसकी, का जब हो या ऑफ हो तो भागा से पहले हम का क्रिया करेंगे। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लिया। अब यहां पे देखिए भागा है और गुना है, गुना और भागा में पहले हमको भागा सॉल्व करना होता है उसके बाद गुना सॉल्व करना होता है। तो यहां पर पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे, तो 6 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो कितना हो जाएगा, 2 बारी में चला जाएगा, 3 दूनी 6, उसके बाद गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह देंगे, फिर 2 लिखेंगे, अब 2 दूनी कितना हो गया, 4 आंसर, यहां पर देखिए आंसर 4 आ गया। तो पहले एक जो इससे पहले हम किए थे वहां पर जिस समय बता रहे थे तो उस समय आंसर सेम आ रहा था, लेकिन यहां पर देखिए का और जो ये डिवीजन है दोनों में क्या फर्क है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में यहां पर क्या फर्क है, का मतलब भी तो गुना ही होता है, लेकिन ये वो वाला गुना है जब भागा भी रहे तो भागा से पहले हम इसका क्रिया करेंगे, लेकिन अगर सिंपली यहाँ पर अगर मल्टीप्लीकेशन का केवल सिंबल दिया रहे तो हम इसको भागा के बाद सॉल्व करते हैं, पहले इससे पहले भागा को सॉल्व करते हैं, ठीक है, इससे पहले भागा को सॉल्व करते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चंस बनाया बनाया जाता है, ठीक है। तो बोर्ड मास को समझिए, आप लोग बोर्ड मास को समझिए। अब देखिए अब ब्रैकेट ले लेते हैं, एक देखिए 4 कलर चेंज कर लेते हैं, ये कलर ठीक नहीं है, ब्लैक। अब देखिए अब कोई सा भी एग्जांपल लेते हैं बोर्ड मास से रिलेटेड, बोर्ड मास से ही रिलेटेड कोई सा भी एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल, ताकि आपका डॉट क्लियर हो। अब देखिए 4 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, 4 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट के अंदर 4 प्लस 2, इस तरह से है। तो अब यहाँ पे पहले यहाँ पे लिख दीजिए बी बोर्ड मास, BBOBMAS बोर्ड मास। अब यहाँ पे डिवीजन का साइन है और एडिशन का साइन है और ये ब्रैकेट है। तो देखिए पहले वेनकुलम उसके बाद ब्रैकेट, तो वेनकुलम तो है नहीं इसमें, मतलब रेखा कोष्टक तो है नहीं इसमें, ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट है, एक ही ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करने का मतलब है इसको ऐसे लिखेंगे 4 डिवाइडेड बाय 2, और ब्रैकेट में एडिशन है, कुछ भी हो ब्रैकेट में घटाओ रहे, जोड़ रहे, गुणा रहे, भागा रहे, लेकिन ब्रैकेट से बाहर वाला जो संख्या है उसको बाद में सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो है उसको पहले सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर में 4 प्लस 2, तो ये हो गया 6। अब एक चीज और ध्यान से देखिए, ये देखिए 2 और इस ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह है, मतलब कोई चिन्ह क्या हो सकता है, प्लस माइनस या गुना या भागा, इसमें से कुछ भी है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है। अगर कुछ होता प्लस होता तो हम लोग प्लस लिखते, माइनस होता तो माइनस लिखते, गुना होता तो गुना लिखते, भागा होता तो भागा लिखते। अगर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर ब्रैकेट और वो जो संख्या होता है उसके बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन छिपा हुआ होता है, गुना का चिन्ह छिपा हुआ होता है, तो यहाँ पर गुना का चिन्ह अब हम दे देंगे, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर है 4 प्लस 2, 4 प्लस 2, तो 4 प्लस 2 हो जाएगा 6, ठीक है, ब्रैकेट को हम लोगों ने सॉल्व
कर लिया। अब हमारे पास है भागा है, ठीक है, देखिए चार भागा दो गुना छः, तो भागा और गुना में तो हम लोग पहले भागा को ही सॉल्व करते हैं। भागा और गुना में हम लोग पहले किसको सॉल्व करेंगे, तो हमेशा भागा और गुना में पहले हम लोग भागा को सॉल्व करेंगे। तो चार को डिवाइड करिए दो से, चार को डिवाइड करिए दो से, तो हो जाएगा दो, दो दुनी चार। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन का चिन्ह है, तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का चिन्ह यानी गुना का चिन्ह दीजिए और सिक्स लिखिए, और दो गुना छ इज इक्वल टू बारह आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है, इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। तो बोर्ड मास का जो रूल है इसी तरह से फॉलो किया जाता है कि किस कहाँ कैसे करना है, ये आपको ध्यान से देखना होगा, ठीक है, ध्यान से देखना होगा। अब हम क्या करते हैं, दो तीन क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को, ठीक है, आपके प्रैक्टिस के लिए। और ऐसा नहीं है कि बोर्ड मास जो है वो खत्म हो गया, बोर्ड मास में बहुत कुछ है फॉर योर प्रैक्टिस। मान लीजिए 4-3+2, ये पहला ये क्वेश्चन आपके लिए, आपको सॉल्व करके इसका आंसर लिखना है, 4 / 2 × 2। तीसरा 6 / 3/2। चौथा 40 / 20/2, ठीक है। और एक पांचवा क्वेश्चन भी ले लेते हैं आप लोगों के लिए, ये 40 / 20 × 2, ठीक है। ये पांचों क्वेश्चंस को आप लोगों को सॉल्व करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, ये आपके प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि बोर्ड मास खत्म हो गया, हम ये जो सीरीज है ना, एक क्या कहते हैं इसको, सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन, ये जो सीरीज है सिंप्लीफिकेशन सीरीज, ये कंटिन्यू चलता रहेगा आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए। तरह तरह के क्वेश्चंस लाते रहेंगे, जहां पर समस्याएं होती है, जहां पर कंफ्यूजन होता है, उस तरह के क्वेश्चंस आपको इस सीरीज में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बोर्ड मास अभी चलेगा, ऐसा नहीं कि बोर्ड मास खत्म हो गया। बोर्ड मास में जो रूल है वो रूल तो यही है, बस क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन हम कराते रहेंगे। अगर कोई बेसिक मैथ सीरीज राउंड 1, 2, 3, 4 कोई परचेज करना चाहता है तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, उसमें क्लास नोट्स डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम ये सारी चीजें मिलती है और डाउट पूछने की आजादी है। उसके बाद देखिए हम आपको क्या कहना चाहते हैं, अब तो कुछ नहीं कहना चाहते, कीप सपोर्टिंग गाइस, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, ठीक है, वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।